थी और आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, बड़ी ये सुनवाई होगी। हर किसी को इस सुनवाई का इंतजार है क्योंकि लगातार जिस तरीके से जिस बर्बरता के साथ एक ट्रेनी डॉक्टर जिसकी उम्र महज 31 साल थी उसे रेप के बाद मौत के घाट उतारा गया, उसके बाद देश भर में गुस्सा देखा गया। देश भर के डॉक्टर जो है वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं, अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस मामले में संज्ञान लिया था और अब इस मामले में आज सुप्रीम सुनवाई होने जा रही है जिसका इंतजार पूरे देश को है। क्या रुख अख्तियार करता है सुप्रीम कोर्ट इस मामले में देखना होगा, क्या सख्ती इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की रहती है वो देखना होगा। तमाम पहलू सुप्रीम कोर्ट में दिए जा चुके हैं और आज मामले में सुनवाई की जाएगी। अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता हमारे साथ है। रैनिक, देखिए लगातार आप इस मामले से जुड़ा सीधा जो अपडेट है वो हम तक पहुंचा रहे हैं, हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। आज सुप्रीम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है, इस मामले में हर किसी को इस सुनवाई का इंतजार है। क्या लगता है कितने बजे ये सुनवाई शुरू हो जाएगी? देखिए सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सबका नजर है क्योंकि पूरा देश भर में जिस तरीके से विरोध देखने को मिल रहा है ये आरजीपुर मेडिकल कॉलेज का इंसिडेंट के बाद। आरजीपुर मेडिकल कॉलेज में सेकेंड ईयर का एक इंटर्न डॉक्टर का जब मौत हुआ उसके बाद से पूरा देश भर में जिस तरीके से सिर्फ डॉक्टर्स नहीं, डॉक्टर्स के साथ आम लोग, जो सेलिब्रिटीज और उसके साथ साथ ही फुटबॉल लवर और लॉयर जितना भी प्रोफेशनल है सब लोग रस्ते में आकर प्रोटेस्ट दिखा रहे हैं। घर के महिला वो लोग रस्ते में रात के अंधेरे में रस्ते में आकर मशाल लेकर मोमबत्ती लेकर रैली कर रहे हैं। ये जो प्रोटेस्ट पूरा देश भर में चल रहा है, जिस तरीके का विरोध पूरा देश में दिखने को मिल रहा है, इसीलिए आज का जो ये सुनवाई ये सबके नजर में ही रहेगा क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये पूरा मामले को लेकर वो मोटो केस दिया गया था जिसका आज सुनवाई है और जिसमें ये पूरा डॉक्टर्स को लेकर जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का इशू वो उसका भी बात उठ सकता है और उसके साथ साथ ही पश्चिम बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर जो सिचुएशन उसको लेकर भी कुछ बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट, ये इसके ऊपर सबका नजर रहेगा। दो तीन चीजों के ऊपर सबका नजर रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई में डॉक्टर्स के लिए क्या क्या रहता है, डॉक्टर्स का सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि डॉक्टर्स का सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को इश्यू करते हुए पूरा देश भर में डॉक्टर्स का हड़ताल चल रहा है, डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है, डॉक्टर्स की तरफ से हेल्थ मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को, होम मिनिस्टर को चिट्ठी दिया जा रहा है, पूरा ये सिचुएशन को लेकर संज्ञान लिया जा रहा है। डॉक्टर्स की तरफ से मांग किया जा रहा है कि डॉक्टर्स को लेकर एक नया कानून लेके आया जाए और इसीलिए आज सुप्रीम कोर्ट का यह सुनवाई में डॉक्टर्स के लिए क्या रहता है, डॉक्टर्स के लिए कोई नया कानून का बात होता है कि नहीं, डॉक्टर्स के लिए सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इशू को लेकर कोई बात होता है कि नहीं, इस बारे में नजर रहेगा। दूसरा जो नजर रहेगा ये जो पूरा केस जिस घटना को लेकर आज इतना बड़ा हंगामा हो रहा है पूरा देश भर में, आरजीपुर मेडिकल कॉलेज में सेकेंड ईयर का जो छात्र का मौत हुआ था। ठीक है ठीक है रानिक, आप बने रहिए हमारे साथ, और भी अपडेट आपसे भी लेने हैं क्योंकि कई अपडेट आज इस मामले से जुड़े हुए सामने आ रहे हैं। कोलकाता रेप मर्डर केस से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, सीबीआई आरोपी का पॉलीग्राफ टेस्ट कराएगी। सीबीआई को कोर्ट से पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की मंजूरी मिल चुकी है। कोलकाता रेप कांड का आरोपी है संजय रॉय जिसका आज पॉलीग्राफ टेस्ट जो है वो करवाया जाएगा। अधिक अपडेट के लिए लगातार हमारे सहयोगी रानिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रानिक, देखिए पॉलीग्राफी टेस्ट की भी सीबीआई को कोर्ट की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है, कब ये टेस्ट कराया जाएगा, क्या लगता है इस टेस्ट के बाद कुछ नए राज, ये टेस्ट कितना कामयाब होगा, नए राज निकल पाएंगे क्या? एकदम, देखिए सीबीआई की तरफ से पहले तो ये जो मेन एक्यूज है संजय राय का जो मेंटल स्थिति वो देखने के लिए साइकोलॉजिकल असेसमेंट किया गया था मगर उसके बाद भी सेटिस्फाई नहीं हुए सीबीआई ऑफिशियल्स और इसी वजह से कोलकाता का शियालदा कोर्ट में वो लोग अपील किए थे। शियालदा में जो सीबीआई का स्पेशल कोर्ट है उस कोर्ट में सीबीआई की तरफ से अपील किया गया था कि संजय राय जो मेन एक्यूज है उनका पॉलीग्राफी टेस्ट कराना चाहते हैं सीबीआई। और कल शियालदा कोर्ट की तरफ से कल दोपहर को ये जो पॉलीग्राफिक टेस्ट को मंजूर कर दिया गया है, यानी आज या कल के अंदर ही पॉलीग्राफिक टेस्ट किया जाएगा ये संजय राय को। मगर ये पॉलीग्राफिक टेस्ट करने में दो तीन और भी प्रोसीड्योर है, वो प्रोसीड्योर कंप्लीट करने के बाद ही सीबीआई की तरफ से संजय राय का पॉलीग्राफिक टेस्ट किया जाएगा। पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने का मेन कारण सीबीआई के सोर्सेस की तरफ से जो कहा जा रहा है कि ये जो संजय राय का जो बयान वो बयान मैच नहीं कर रहा है क्योंकि कोलकाता पुलिस के पास जो बयान दिया था और सीबीआई के पास जो बयान दिया है दोनों में थोड़ा बहुत फर्क है और इसी वजह से संजय सही बोल रहा है कि नहीं, संजय का उस रात में क्या क्या घटना घटा था
पूरा डिटेल्स इन डिटेल्स जानने के लिए सीबीआई की तरफ से ये पॉलीग्राफिक टेस्ट किया जा रहा है और सीबीआई ये पॉलीग्राफिक टेस्ट के माध्यम से पूरा केस को सुलझाना चाहते हैं। ठीक है रानी, किसी के साथ अगर बात की जाए तो जिस तरीके से और भी अपडेट सामने आ रहे हैं उन पर भी आपसे अपडेट हम लेंगे। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए। आज गृह मंत्री से बंगाल के राज्यपाल मुलाकात करेंगे और सुबह 10 बजे ये मुलाकात होगी और तमाम जो जानकारी है वो इस मामले से जुड़ी हुई गृह मंत्री को आज सौंपेंगे बंगाल के राज्यपाल। अधिक अपडेट के लिए लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं रैनिक। रैनिक देखिए, आज बंगाल के राज्यपाल गृह मंत्री से मुलाकात करेंगे और तमाम इस मामले की जानकारी जो है वो उनको तक बताई जाएगी। कैसी मुलाकात रहने वाली है, गृह मंत्री से मुलाकात होने जा रही है और जानकारी क्या कुछ उन तक पहुंचाई जाएगी? देखिए 9 तारीख की घटना घटने के बाद से पूरा पश्चिम बंगाल का जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एक बार सवाल के आधार पर आके है, क्योंकि बहुत सारे जगह में जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये प्रोटेस्ट रोकने के लिए पुलिस के साथ हाथापाई भी हो रहा है, पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किया जा रहा है। और इसके साथ साथ देखा गया 14 तारीख रात में जिस तरीके से आरजी कौर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में हमले का घटना घटा, उस घटना में अभी तक 37 लोगों को पुलिस की तरफ से गिरफ्तार भी किया गया है। पूरा ये जो घटना पूरा जो ये कार्यक्रम पूरा पश्चिम बंगाल में चल रहा है, जो पुलिस के साथ हाथापाई हो रहा है, पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किया जा रहा है, मॉब के मॉब अंदर घुसकर आरजी कौर मेडिकल कॉलेज के तौर पर कर रहा है, पुलिस उनको रोक नहीं पाया, ये जो पूरा सिचुएशन और उसके साथ साथ ही अभी जो पश्चिम बंगाल में जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसको लेकर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस वो आज होम मिनिस्टर अमित शाह जी के साथ मुलाकात करेंगे और पूरा बात को लेकर डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो फिलहाल सिचुएशन है पश्चिम बंगाल का वो फिलहाल सिचुएशन को देखते हुए गवर्नर की तरफ से कहा गया था कि पश्चिम बंगाल में नारी सुरक्षा नहीं है, दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल का जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वो भी सही तरीके से नहीं काम कर रहा है। ये कमेंट करने के बाद ही सीवी आनंद बोस का आज ये दिल्ली सफर है, दिल्ली में जाकर वो अमित शाह जी के साथ मुलाकात करेंगे और पूरा बंगाल का जो सिचुएशन उसको लेकर डिस्कशन किया जाएगा। तो इसी उस डिस्कशन में ये दो इशू मेनली आ सकता है कि वुमेन सेफ्टी इशू और उसके साथ साथ ही जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वो सिचुएशन को लेकर भी बातचीत हो सकता है। पूरा ये जो घटना ये घटनाक्रम को लेकर आज गवर्नर के साथ होम मिनिस्टर का बात भी हो। ठीक है, और क्या लग रहा है रैनिक, क्या इसके बाद कोई बड़ा फैसला जो है लिया जा सकता है? और एक बात बताएंगे रैनिक, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ बोलिए जी रैनिक, क्या लगता है आपको कि क्या इस मुलाकात के बाद कोई बड़ी जानकारी सामने आ सकती है, कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है बंगाल को लेकर? एकदम देखिए ये हो ही सकता है, क्योंकि बंगाल का जो परिस्थिति है इसको लेकर गवर्नर सीवी आनंद बोस दो बार जो कमेंट किए हैं, पहली बार तो आरजी कौर मेडिकल कॉलेज में वो जब घटना के बाद यानी 14 तारीख रात में जिस तरीके से आरजी कौर मेडिकल कॉलेज में हमला। ठीक है रानिक, आप बने रहिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी इस मामले में सामने आ रही हैं, क्योंकि राजनीतिक सरगर्मी भी इस मामले पर काफी तेज देखी जा रही है, वो प्रतिक्रियाएं भी सुन लेते हैं। वेस्ट बंगाल में जो हुआ बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। सुश्री ममता बनर्जी स्वयं एक महिला मुख्यमंत्री है, कितनी शर्मसार करने वाली बात है कि स्टेट की मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि वो होम मिनिस्टर भी हैं, वेस्ट बंगाल की हेल्थ मिनिस्टर भी हैं, लेकिन उसके बावजूद एक ऐसा दुष्कर्म एक महिला डॉक्टर के साथ होता है, वो डिटेल्स देके रूह कांप जाती है। मैं पूछना चाहती हूं माननीय मुख्यमंत्री महिला ममता बनर्जी से कि वो जब मार्च निकालती हैं तो वो किससे न्याय की मांग कर रही हैं? अरे होम मिनिस्टर वो हैं, मुख्यमंत्री वो हैं, हेल्थ मिनिस्टर वो हैं, तो वो न्याय की मांग किससे कर रही हैं? देखिए बहुत सारे लोगों को जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, समाज के प्रमुख लोग हैं, डॉक्टर्स, लॉयर्स, इवन की पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स, स्टूडेंट्स तो पहले से ही उनके निशाने में है। तब जनता जब गरज उठी तब जाके पुलिस ने थोड़ा पीछे हटा। और मैं सबको आश्वस्त करना चाहता हूँ, स्टूडेंट्स हो, डॉक्टर्स हो, जो भी हो, मैं सबको ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी आपके साथ लीगल हेल्प देने के लिए पूरी तरीके से खड़ी हुई है। और आप डरिए मत, आपकी आवाज़ बुलंद करिए, सबकी आवाज़ बुलंद।